दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में जो फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये रोबोट पर्सनल कामों को करने के अलावा ऑफिस और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरे लिस्ट के पहले नंबर पर जो रोबोट आता है उसका नाम है कलाइडो 8.0। इस रोबोट को जापान की कावासाकी कंपनी ने बनाया है। ये रोबोट मानव के जैसा चल फिर सकता है और किसी भी प्रकार के वजनी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है। इसके अलावा या किसी भी प्रकार के सरफेस पर चल सकता है। दोस्तों कलाइडो से आप घर के या स्टोर के किसी भी प्रकार के कामों को करवा सकते हैं, जैसे यह बक्सों को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख सकता है। कलाइडो मानव के जैसा ही बिहेव करता है। इसके लिए इसके फेस पर एक LED डिस्प्ले दिया गया है जहां पर हर प्रकार के नोटिफिकेशन शो होता है। इसका हाइट 5 फीट 11 इंच है और इसका वजन 86 किलोग्राम है। इस रोबोट के बारे में आपका क्या ख्याल है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, नियोकी। नियोकी एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे जापान के कावासाकी ने बनाया है। नियोकी रोबोट को होटल या रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बनाया गया है। ये कस्टमर से बातचीत कर सकता है और उनके द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इसके अलावा कस्टमर से ऑर्डर ले सकता है और ऑर्डर को उनके टेबल तक डिलीवर भी कर सकता है। फ्यूचर में इस रोबोट का काफी ज्यादा डिमांड हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है। आपका क्या ख्याल है इस रोबोट के बारे में कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, जिंकी इताई। जिंकी इताई एक इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसका यूज मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। जहां पर हेवी टूल्स या हेवी सामान को उठाने की बात हो जिंकी इताई का नाम पहले आता है। जिंकी इताई हेवी से हेवी वर्क को बहुत आसानी से कर लेता है। फ्यूचर में इस रोबोट का डिमांड काफी ज्यादा हो सकता है क्योंकि हेवी व्हीकल और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जिंकी इताई का डिमांड काफी बढ़ा है। आपका क्या राय है इस रोबोट के बारे में कॉमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक ऐसे रोबोट आ जाए जहां पे आपके घर के सारे काम करे, आपके एक आवाज सुनकर आपके लिए चाय या कॉफी लाए, इस तरीके के रोबोट भी आज की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। पेश है मूनशॉट। यह एक होम रोबोट है। इस रोबोट को घर के कामों को करने के लिहाज से बनाया गया है, जैसे कपड़ों को हैंगर पर लटकाना, आपके इशारों पर चाय और कॉफी आपके टेबल तक पहुंचा सकता है। फ्यूचर में इस रोबोट का इस्तेमाल ऑफिस और रेस्टोरेंट में किया जा सकता है। आपका क्या ख्याल है इस रोबोट के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछले कुछ ही वर्षों में रोबोट का विकास काफी तेजी से हुआ है। इसको देखते हुए हमने अपने चैनल पर एक से बढ़कर एक रोबोट्स के वीडियो बनाए हैं और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए हमको इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।